एकदम मस्त है, कैसी ये जस्त है, तेरी धुन में दिल है बंजारा। ये क्या भाई अखा रहा, दारू पीता है, दिन में बैठा रहता है घर में, तो क्या करेगा? कोई काम धंधा ढूंढना। काम मिलता किधर है? अरे ढूंढेगा तो मिलेगा, तेरे घर में थोड़ा चल के आएगा काम। अरे कोई नहीं देता काम। अरे अपने बीवी बच्चों के बारे में तो सोच। देख अभी बहुत बोल रहा है, बंद कर अपना भाषण। साला जब देखो तब भाषण 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 बोलता है। अरे समझाता है तेरे को, तू समझता नहीं इसीलिए बोलता है तेरे को। तू मत समझा, मैं समझ लेगा, भाषण मत दे, बनकर अपना भाषण। क्या क्यों मालिक, क्या भाषण देता था? मेरे मतलब की बात नहीं, देखो क्या करना, मत रहा, चाय मिल गई ना। क्या बोलता है तू, तेरे को तो लीडर होना मांगता था। ए मस्का आ गया क्या? अरे सुन ना, वो कलम लिबर्टी को जाता था, वो नवा पिक्चर लगे ना, हम भी तेरे तुम भी मेरे मैं भी तेरा, रास्ते में भाषण सुना। क्या भाषण भाई, हम क्यों झगड़ता है, हमको आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। गुजरात गुजराती का, मद्रास मद्रासी का, बंगाल बंगाली का और पंजाब पंजाबी का। अंग्रेजी नहीं मांगता, हिंदी नहीं मांगता, हम सब एक है, ये देश एक है और एक ही रहेगा। जय हिंद। सब साला बंडल ठोकता है। अरे अपनी बात बोल तू, बंडल ठोकता है ना अपन भी धंधे के लिए, ऐसा खाली पकड़ थोड़ी लाइन में खड़ा रहता है। तुम समझते अपन सेवा दल का आदमी है? काय को अपन टिकट देता है, पैसा लेता है, धंधा करता है, हम करता है, हम साफ करता है, हम करता है, अच्छा करता है, और नहीं तो क्या, हम भी सेवा करता है। लोग टिकट लेता है, बड़ा बड़ा लोग लेता है ब्लैक में, हम देता है, धंधा है। हाँ हाँ, हमको पैसा कमाने का है, किसी का नौकरी करने का नहीं है। तू नौकरी थोड़ा नहीं करेगा, तू तो साला लाड साहब है, और नहीं तो क्या, हम कम है क्या किसी से? बोल कितना मांगता तेरे को? अरे अपने को नहीं मांगता तेरा ब्लैक का पैसा। अरे तुम कुछ नहीं जानता जानी, ये देख। अरे ये तो 100 रुपए का बंडल है। इसको भी देख, ये भी 100 रुपए का बंडल। असली कौन सा? असली? हाँ असली। तो ये असली है क्या? वही तो बोलता है साला, तुमको असली नकली का पहचान ही नहीं है, तुम मरेगा साला। अरे तुम कुछ नहीं जानता जानी, अपुन भी दिखाएगा, इधर बाहर टैक्सी से उतरेगा, फर्स्ट क्लास कड़क स्त्री का कपड़ा पहनकर इधर आएगा, बोलेगा वेटर साला भागता भागता अपन के पास आएगा, अपन बोलेगा बादशाह ही चिकन। अच्छा बादशाह ही चिकन? अबे हाँ बोलेगा तू, बादशाह चिकन खाना बोलेगा। अरे पैसा का पैसा तेरा बाप देगा। अब तू कौन पैसा ले ले, कौन बोला है मना? चाय का पैसा तेरा बाप देगा। क्या खबर है? कोई अच्छा खबर सुनाओ। अच्छा खबर पेपर में आता है क्या? काल को पढ़ता है पेपर, देखता है कोई अच्छा खबर मिल जाए। कोई मिला क्या? हाँ एक है। अरे इधर लिखेला है, एक को गोली मार दिया। क्यों क्यों भाई? दूसरा खेला था वो ऊपर को,
उसको बोला नीचू करो वो हंसने लगा हाथ से गोली मार दिया किधर साला तू मारेगा देख लेगा साले को सुन ये खबर सुन कोई अच्छा खबर सुनाओ अपन का दिल ना घबरता है अरे अपन को देख पूरा पेपर पड़ेला है अपन को नहीं मांगता अपन बस इतना देखता है कौन सा पिक्चर लगेला है तो सुन तेको इसी खबर सुनाएगा तो समझेगा पिक्चर का स्टोरी है एक आदमी 40 शादी बनाया किधर का बात है उधर इटली का तेरा अपन समझा इधर ही इंडिया का बात है तो फिर उससे पूछा तुम इतना शादी बनाया तुमको औरत के बारे में पूरा समझ आ गया होगा कि औरत क्या है क्या बोला वो हज्जाम बोला अपन इतना शादी बनाया अपन को औरत के बारे में कुछ समझ नहीं आया कि औरत क्या है तो 40 का क्या हुआ देखो करने का है क्या उन्हें वो क्या करने का है वो सारा 40 से नहीं समझा अपने को क्या मरने का है क्या सब बोलता है सब करता है बंद कर दो सालो बंद कर दो मुझे तुम और तुम्हारे साहब ठाकुर के तलवे चाटते हो लट्टू सहलाते हो जो तुम और तुम्हारा बाप अरे तुम क्या पीटोगे मुझे मैं बाहर आते तुम लोगों को यहीं बंद करवाऊंगा बहुत रोटियां लगी है तुम में रिश्वत में पलते हो तुम सारे पुलिस वाले लोगों के रखवाले साले खुद शैतान साले खुद डाकू चोरों को पकड़ेंगे डाकू चोरों को पकड़ेंगे और उस ठाकुर ने अपनी लड़की को घर में बंद कर रखा है क्यों उसकी पढ़ी लिखी समझदार लड़की एक दलित से शादी करना चाहती है और वो दलित यानी कि मैं पढ़ा लिखा एमबीए काफी कमा लेता हूँ मगर नहीं वो ठाकुर जो है मैं एक दलित उसकी खुद की बेटी उसके खिलाफ है उसे जात पात में विश्वास नहीं मगर ठाकुर कहता है कर लो जो करना है हम करेंगे अदालतें बंद नहीं हुई है हम करेंगे जरा देखो तो इन ठाकुरों को किस सदी में जीते हैं कितने जाहिल है साले वो ठाकुर का कुत्ता भूखा बेचारा भटक के उसने एक दलित औरत के घर जाकर खाना खा लिया जब ठाकुर को पता चला तो उसने अपने कुत्ते का गांव निकाला कर दिया कुत्ते का गांव निकाला कर दिया और रहने को उस दलित औरत के घर भेज दिया पंचायत ने उस दलित औरत के ऊपर 15,000 का जुर्माना ठोक दिया क्यों उसने ठाकुर के कुत्ते को खाना खिलाया ठाकुर ने नहीं खिलाया दलित औरत ने खिलाया और उस दलित औरत की FIR ठाकुर के कहने पर हरामखोर पुलिस दर्ज नहीं कर रही चुपे साले और सुनाओ बड़ी जात वालों के किस्से चुपे क्या हाल ही केरला में एक सीनियर दलित ऑफिसर रिटायर हुआ तो उसके ऑफिस को गोबर से साफ करके शुद्धिकरण किया गया उसके ऑफिस के कार को भी गोबर से शुद्ध किया गया क्यों वो दलित जो था दलित अशुद्ध है मगर इस देश में जहां गंगा बहती है मगर राम तेरी गंगा मैली है वो दलितों ने नहीं की इन बड़ी साथ वालों की गला जाता है दलितों की नहीं अब क्या ये गंगा मैया को भी गोबर से धोएंगे तो इस काम का फैसला पांडु अभी के